हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स में ये दिखाया गया है कि जो ग्लोबल मीथेन एमिशन है ये 2030 तक लगभग 30% तक इसकी इंक्रीज हो सकती है मीथेन की एमिशन में। तो यहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मीथेन CH4 जिसको हम कहते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, किस तरीके से इसके सोर्सेस है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ज़्यादा एमिशन हुए, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट, उनके जो जॉन कैरी, तो उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा है कि 2030 तक मीथेन की एमिशन जो है, ये मीथेन की एमिशन लगभग 30% तक, यहाँ पे 13% तक एक्चुअली बढ़ सकती है अगर यहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लेज, यानी कि जो ग्लोबल मिथेन प्लेज में जो भी प्रोमिसेस लिए गए थे, यहाँ पे जो भी रिजोल्यूशंस लिए गए थे उसको फुलफिल नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखें कि ग्लोबल मिथेन प्लेज जो है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। तो ये एक्चुअली जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो भी चीज़ें डिस्कस हुई थी कि यहाँ पे पूरे दुनिया की जो टेम्परेचर उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करनी है, तो उसके बारे में यहाँ पे किया गया था कि मीथेन के एमिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मीथेन के एमिशन का कंट्रोल किया तभी जाके यहाँ पे जो ग्लोबली जो वार्मिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लेज में लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है, और 2030 के हिसाब से जो है, यहाँ पे 2020 के हिसाब से 30 तक जो है 30% तक मीथेन की एमिशन को कम करने के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे देखें कि अगर इसको रिडक्शन किया गया तो 2050 तक लगभग 0.2% जो है, जो हमारे अर्थ की एवरेज टेम्परेचर जो है उसको कम किया जा सकता है अगर इसको कंट्रोल किया गया। तो अगर देखेंगे, भारत जो है पूरे दुनिया के 5 मीथेन एमिटर्स है, सबसे ज़्यादा अगर मीथेन एमिटर्स में टॉप 5 में भारत के नाम आते हैं, लेकिन इंडिया इस प्लेज में शामिल नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग को मीथेन के बारे में समझना होगा। आपने जो स्कूल में पढ़ा होगा डेफिनेटली CH4, जिसको मीथेन हम लोग बोलते हैं, एक हाइड्रोकार्बन है जो यहाँ पे एक क्लाइमेट पोल्यूटेंट के रूप के हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है यहाँ पे। तो ये जो है जब रिलीज होती है, अलग अलग सोर्सेस से रिलीज होती है यहाँ पे, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलीज होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलीज होती है, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक से रिलीज होती है, फार्मिंग के वजह से रिलीज होती है। तो ये जब रिलीज होती है अर्थ की एटमॉस्फेयर में, काफ़ी कुछ सालों तक ये ट्रैप होती रहती है, और उसकी इतनी क्षमता होती है कि नॉर्मल कोई भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग HFC भी बोलते हैं, उससे लगभग 80 to 1500 टाइम्स ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर सकते हैं। और जितना एटमॉस्फेयर को गर्म होगा उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की खतरा ज़्यादा होती है। तो मीथेन को अगर देखा जाए, ओवरऑल जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है उनमें लगभग 1/3 सिर्फ मीथेन ही कंट्रीब्यूट करती है। अलग अलग जितने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़े होंगे, तब तो डेफिनेटली वहाँ पे आपने मीथेन के बारे में पढ़ा ही होगा। तो बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल एलिमेंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के वजह से यहाँ पे मीथेन की एमिशन हो सकती है, जैसे कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लीक्स के वजह से हो सकती है, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, हम लोग जो यहाँ पे लाइफ स्टॉक देखते हैं, इवन जो काउडंग होते हैं, गोबर होते हैं, उससे मीथेन होती है यहाँ पे एमिशंस, जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट होती है लैंडफिल्स में, उससे मीथेन की एमिशन होती है। तो ये भले ही कम अमाउंट पे हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोज किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए पूरे दुनिया के जितनी भी ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस जो है, उसमें सिर्फ 2% ही मीथेन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो अगर देखिए यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किया जाए तो मीथेन की एमिशन को डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे पूरे भारत में, आप देख सकते हैं कौन से जगह पर ज़्यादा मीथेन एमिशन होती है। उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, जितना डार्कर शेड ऑफ रेड होगा उतना ही ज़्यादा आपको मीथेन की एमिशन दिख सकती है। उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पे, मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, थोड़ी सी ये पुरानी पिक्चर है एक्चुअली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मीथेन की एमिशन होती रहती है अगर इसको अलग अलग जगहों से भी देखा जाए।
तो थोड़ा सा अरुणाचल में भी दिखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों पे, और आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा मीथेन की एमिशन अगर देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो एक क्या है कि वॉलेंट्रली पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग इंटरनेशनल, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पे मिल के इसको स्टार्ट किया था, ताकि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि जो शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंस है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, अलग अलग देश की गवर्नमेंट जैसे कि बांग्लादेश, कैनेडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स भी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के साथ मिलकर इसको सपोर्ट किया था। तो इसका एम जो था कि जो डिलीवर करने के लिए जो फास्ट एक्शन प्लान है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्लाइमेट के साथ यहाँ पे पब्लिक हेल्थ, एनर्जी एफिशिएंसी और फूड सिक्योरिटी को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से, पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है यहाँ पे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे लाना है, और मीथेन की एमिशन को जो है 40% तक रिड्यूस किया जा सकता है अगर ब्लैक कार्बन को 70% तक रिड्यूस किया गया 2030 तक। तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग अगर इनिशिएटिव्स के बारे में भी बात करेंगे मीथेन के, तो यहाँ पे कोप 26 के जो यहाँ पे रिजोल्यूशन लिए गए थे कि यहाँ पे मीथेन की एमिशन को 30% तक अगर कट डाउन किया गया तो डेफिनेटली उसको कंट्रोल में दिया जा सकता है। तो काफी कुछ चीजें देखिए क्लाइमेट के हिसाब से किए तो गए हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हर देशों की यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जब होती है एक देश के वजह से या दूसरे देश जो उसके साथ जुड़ी हुई है, अलग अलग सोचने से नहीं होगा, यहाँ पे ग्लोबली सोचना पड़ेगा, यहाँ पे तभी जाकर उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मीथेन जो सेट है एक्चुअली एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की है। तो देखिए अलग अलग जो सोर्सेस है पूरे दुनिया में, यहाँ पे इसको स्क्रूटनी करेगी कि कौन सी सोर्सेस से ज्यादा यहाँ पे मीथेन की एमिशन हो रही है, तो उसको जो कंट्रोल किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव्स के हिसाब से अगर देखें तो यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम्स जो समिट हुई थी सितंबर 2021 में, तो इसके एम किया गया था ताकि फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन जो है उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली किया जा सके। भारत के इनिशिएटिव्स के हिसाब से भी देखिए तो सेंट्रल सॉल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे मीथेन एमिशन जो है कैटल से जो रिलीज होती है यहाँ पे उसको कंट्रोल करना, और यहाँ पे कैटल और पोल्ट्री की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना मेन ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ चीजें आपको इन एंड आउट देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोशिश करते हैं हम लोग अलग अलग जो रिलायबल सोर्सेस से यहाँ पे कलेक्ट करके आपको आपके साथ डिस्कस करने के लिए, ताकि एक ओवरऑल यहाँ पे नॉलेज आपकी डेवलप हो सके, चाहे वो मेंस हो, प्रीलिम्स हो, या फिर इंटरव्यू के लिए भी आपको यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस। तो अगर आप देखिए यहाँ पे पूरे दुनिया में कौन सी जगह में अगर ग्लोबल सोर्सेज देख सकते हैं आपको, इंडिया में भी काफ़ी कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, देन जो राजस्थान के पार्ट, यहाँ पे जो चाइना के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी जगहों में, देन जो रशिया के काफ़ी पार्ट, यूरोप में आप देख सकते हैं, यूके में बहुत ज़्यादा हो रही है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो यहाँ पे जो यूएसए, पूरा यूएसए भरा हुआ है यहाँ पे, देन जो साउथ अमेरिका में भी, तो बहुत ज़्यादा ये सोर्सेस एमिट करती रहती है। लेकिन कंपेरेटिवली आप देख सकते हैं अफ्रीका, देन अमेजोन, इस जगहों में जो है उसकी सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द मीथेन एमिशन, जो 2030 तक 13% बढ़ सकती है अगर ग्लोबल मीथेन पीच के हिसाब से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।